सभापति महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी है। वर्ष 2011 में 14,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। मोर देन 14,000 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड इन द ईयर 2011। और अभी इस 2012 के वर्ष में जो सूचनाएं आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि ये संख्या शायद और बढ़ जाएगी। खाद के दाम बेहिसाब बढ़ गए, बीजों के दाम बढ़े हुए हैं, पेस्टिसाइड्स के दाम बढ़े हुए हैं, बिजली और सिंचाई के दाम बढ़े हुए हैं, इसलिए किसान के सामने भारी विपत्ति, भारी कठिनाई है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस संपूर्ण नीति के बारे में गहराई से विचार करने की जरूरत है। इसका एक परिणाम ये हो रहा है कि किसान खेती से अलग होता जा रहा है और बहुत से किसानों ने खेती छोड़कर दूसरी तरफ आने का प्रयास किया है। इसके अनेक सामाजिक परिणाम होंगे, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी होंगे। ये लोग खेती छोड़कर शहरों की तरफ आएंगे और दबाव शहरी नौकरियों के ऊपर पड़ेगा। इसलिए इस प्रश्न पर, क्योंकि ये खाद के दाम जिस हिसाब से बढ़ाए जा रहे हैं और बिजली और सिंचाई के दाम किसान के लिए जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं वो बहुत अन्यायपूर्ण है, वो खेती के लिए और देश के लिए बहुत घातक है। और इस बार क्योंकि सूखा पड़ा है तो इसलिए बहुत बड़ी संख्या में किसान के ऊपर पहले से ही विपत्ति है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा कि इस बारे में, किसानों की आत्महत्या को रोकने के बारे में और उनकी खेती लाभकारी बनाई जाए और वो उसको छोड़कर न जाए, इसके बारे में सरकार की क्या नीति है। खाद का दाम कम करने के बारे में सरकार का क्या विचार है। किसान आंदोलन कर रहा है जगह जगह पर और इसलिए खाद का दाम घटना चाहिए। और जितने भी इनपुट्स हैं, जितने भी किसान के लिए आवश्यक इनपुट्स हैं, उन सबके दामों में कमी होनी चाहिए और इस तरह से खेती को लाभकारी बनाया जाना चाहिए। कभी कभी हम सुनते हैं कि किसानों की सब्सिडी समाप्त की जाएगी, ये और भी खतरनाक होगा। इसलिए एक पूरी विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है जिसमें किसान खेती को और अधिक मनोयोग से कर सके और खेती लाभकारी बनाई जा सके और देश के उत्पादन में उसका योगदान हो। एक और कठिनाई इस समय कपास के क्षेत्र में आ रही है, कॉटन के मामले में, और जो स्थिति है वो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा खतरनाक पैदा हो रही है। कॉटन पिछले साल से इस साल कम हो रहा है। कॉटन के बारे में, कपास के बारे में सरकार ने जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की नीति रखी है उससे भी किसान प्रभावित हो रहा है। और ये जो बीटी कॉटन और उससे संबंधित जो सरकार की नीति थी उससे भी किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत से किसानों की आत्महत्या इस कॉटन के क्षेत्र में हुई है। इसलिए इस कपास की नीति के बारे में भी, उसके बारे में सरकार को गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि वो केवल किसान से ही संबंधित नहीं है, उसका परिणाम टेक्सटाइल पर भी पड़ता है, उसका परिणाम हमारी गारमेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ता है। तो ये एक गंभीर समस्या है इस समय, और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा और ये जानना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार की नीति क्या है और इसको कितने शीघ्र वो सुधार कर किसानों को राहत पहुंचाएगी। बहुत